पन्ना जिले के अमानगंज तहसील अंतर्गत आने वाली सुनवानी खरीदी केंद्र में तुलाई बंद होने के बावजूद भी तुलाई को समाज सेवियों ने पुलिस प्रशासन की मदद से धर दबोचा है। गौरतलब हो कि प्रदेश सरकार ने किसानों की उपज के अच्छे दाम देने के उद्देश्य से चना के तुलाई समर्थन मूल्य पर करवाई, जिसकी लास्ट डेट 15 जून को बंद कर दी गई थी और साथ ही आदेश दिया गया था कि जो किसान मौके पर मौजूद है उन्हें टोकन दिया जाए और टोकन के आधार पर जल्द से जल्द तुलाई की जाए। मगर लालची समिति प्रबंधक भागीरथ पटेल ने इस मौके को अपने दोनों हाथों से भुनाते हुए काली कमाई का जरिया बनाकर 10 दिन बंद तुलाई के बावजूद किसानों से मोटी रकम वसूल कर रातों रात तुलाई करनी शुरू कर दी। करने मौके पर अमानगंज तहसीलदार अवंतिका तिवारी पहुंची और डीएम को पूरे मामले की जानकारी दी और लालची समिति प्रबंधक भागीरथ पटेल से खरीदी करने के टोकन मांगे जा रहे हैं। समिति प्रबंधक पिछले 5-6 साल से जमे हुए हैं और कई मामले कालाबाजारी के सामने भी आ चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही के ना होने से उनके हौसले बुलंद है। अब देखना यह है कि क्या इस बार भी कार्यवाही होती है या नहीं। पन्ना से चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। मैं सरपंच गढ़ी करैया ऋषिराज सिंह जी, ग्राम सिमरा कला का मैं निवासी हूँ जी। कैसा क्या हो रहा था तुलाई? कल रात्रि को अचानक फ़ोन आया, थाना प्रभारी ने जाके सर्वे किया जी, तो जो हमारा केंद्र सिमरिया था, जो सुनवानी से चना केंद्र शिफ्ट कर दिया गया था सिमरिया में जी, कल रात्रि को सुनवानी केंद्र में तुलाई हो रही थी जी। और ऐसी तुलाई हो रही थी कि रात के 2 बजे तुलाई हो रही थी, कांटा बंद था जी। तो कुछ अवैध रूप से चना चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी समिति प्रबंधक द्वारा। रात्रि को जैसे ही थाना प्रभारी ने एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद तुरंत तुलाई बंद की गई। पूरे स्टाफ के मेंबर जैसे ही पुलिस वाले पहुंचे तो सारे भाग गए। थाना प्रभारी ने खाली केंद्र को देखते हुए 2 अपने पुलिस कर्मी तैनात किए। रात ही को हमने तहसीलदार मैडम से, जो हमारे अंतर्गत आती हैं, उनसे बात की। सुबह मैडम ने आगे जांच की और समिति प्रबंधक से उसका कथन लिया गया। हम सभी ग्रामवासियों ने अपना कथन दिया और हमने यही मांग की है कि इस पर विधिवत जांच की जाए और जो भी कुछ धांधली उसमें हुई है, हम उसमें चाहते हैं कि समिति प्रबंधक के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर, इसमें क्या किसानों का क्या व्यापारियों का गलत हो रहा है? इसमें अब चूंकि मैं उस वक्त मौजूद नहीं था मौके पर जी, तो ये तो जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा कि वास्तविकता है क्या। लेकिन हमारी शुरुआत से ही ये परेशानी रही है कि हम लोग अपनी समिति केंद्र से बहुत ज़्यादा परेशान रहे। समिति प्रबंधक का व्यवहार किसानों के प्रति अच्छा नहीं है जी। और रात्रि के 2 बजे तुलाई होना अपने आप में ये स्पष्ट करता है कि कुछ ना कुछ उसमें धांधली की गुंजाइश रही होगी जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।